दोस्तों दिवाली में रिश्तेदारों से मिलने वाले पैसों का आधा हिस्सा तो मम्मी रख लेती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म के कलेक्शन का कितना परसेंट हिस्सा फिल्म के प्रोड्यूसर्स रखते हैं और कितना परसेंट हिस्सा उस सिनेमा हॉल को मिलता है। चलिए समझते हैं सबसे आसान भाषा में। पहले समझते हैं कि इस इंडस्ट्री के खिलाड़ी कौन कौन है। पहले खिलाड़ी हैं फिल्म के प्रोड्यूसर्स जो फिल्म को बनाते हैं, दूसरे हैं फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका काम होता है फिल्म को देश और दुनिया भर के सिनेमा घरों तक पहुंचाना, और तीसरे होते हैं एग्जिबिटर्स यानी कि सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस जहां पर हम फिल्म देखते हैं। अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच दो टाइप्स की डील्स होती है, एक है आउटराइट सेल या परचेस और दूसरी है कमीशन बेसिस। पहले डील में डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म के प्रोड्यूसर को एक फिक्स्ड प्राइस देकर उस फिल्म को खरीदता है और फिल्म के कलेक्शन पे डिपेंड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा होगा या नुकसान। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोड्यूसर से फिल्म खरीदी 100 करोड़ रुपए में और फिल्म ने 150 करोड़ रुपए की कमाई की, तो 50 करोड़ रुपए प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूटर का। यानी कि अगर फिल्म हिट होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कमाएगा और अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान होगा। ट्यूबलाइट फिल्म का बजट था 100 करोड़ रुपए और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे सलमान खान फिल्म्स, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को यानी कि एनएच स्टूडियोज को अपनी फिल्म 138 करोड़ रुपए में बेची थी, यानी कि 38 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था प्रोड्यूसर्स को। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और इसी वजह से एनएच स्टूडियोज को नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद सलमान खान ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को 55 करोड़ रुपए वापस दे दिए कंपेंसेशन के तौर पे। दूसरी टाइप की डील होती है कमीशन बेसिस वाली डील। इस डील में डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म के कलेक्शन में एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, तकरीबन 7-8% का। लेकिन फिर अगर टिकट 100 रुपए की हो तो सिनेमा हॉल को कितने पैसे मिलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को कितने पैसे मिलते हैं? एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा। यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। एक है जहां पर सिंगल स्क्रीन्स हैं जो जनरली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में होते हैं, और दूसरा केस है मल्टीप्लेक्सेस का जो जनरली बड़े शहरों में होते हैं। सिंगल स्क्रीन्स के केस में डिस्ट्रीब्यूटर स्क्रीन के ओनर को हर हफ्ते एक रेंट देते हैं अपनी फिल्म उस स्क्रीन पर दिखाने के लिए, और फिल्म का पूरा कलेक्शन जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अगर स्क्रीन का रेंट 2 लाख रुपए है और फिल्म का कलेक्शन 3 लाख होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर हम मल्टीप्लेक्स की बात करें तो फिल्म का कलेक्शन कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। फिल्म के पहले हफ्ते में कलेक्शन 50-50 डिवाइड होता है मल्टीप्लेक्स ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच। दूसरे हफ्ते में मल्टीप्लेक्स ओनर को 55% मिलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को 45% मिलते हैं, और फिर तीसरे हफ्ते में मल्टीप्लेक्स ओनर को 60% और डिस्ट्रीब्यूटर को 40%। अगर डिस्ट्रीब्यूटर और फिल्म के प्रोड्यूसर के बीच कमीशन बेसिस वाली डील हुई है तो डिस्ट्रीब्यूटर के शेयर में से 7-8% डिस्ट्रीब्यूटर रखेगा और बचा हुआ 92% फिल्म के प्रोड्यूसर को मिलेगा। वहीं पर पहली टाइप की डील में डिस्ट्रीब्यूटर ये सारे पैसे खुद के पास रखेगा क्योंकि उसने प्रोड्यूसर से फिल्म खरीदी है और अब वो उसकी खुद की फिल्म हो चुकी है। दोस्तों आप ही है हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर्स, तो दीजिए स्ट्रगलिंग एक्टर को थोड़ा सा प्यार इस वीडियो को लाइक करके, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।